सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इंसान अपराध करने पर आता है तो उसके गिरने की कोई हद नहीं होती, उसकी क्रूरता किसी भी सीमा तक जा सकती है। तब उसका दिमाग उसके अंजाम की परवाह किए बिना किसी शैतान की तरह सोचता है। यहां भी यही हो रहा था। कौन था यह शैतान और कैसे बात इस हद तक पहुंच गई, और इस निर्मम अपराध के शिकार ये लोग कौन थे और क्यों? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की इस घटना को विस्तार से देखने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस घटना में सिर्फ इंसानों का ही खून नहीं हुआ बल्कि कई रिश्ते भी शर्मसार हुए और भरोसा तोड़ा गया। घूंघट उठा के नहीं देखोगी कि तुम्हारी दुल्हन कितना तैयार हुई है तुम्हारे लिए? चलो भैया, दुल्हन इंतजार कर रही है। लाइट क्यों ऑफ है? ये क्या, मुझे तो लगा कि घूंघट उठाना होता है। रिवाज बदल गया है क्या? अरे नहीं नहीं, कमरे में अंधेरा था ना, इसलिए रजनी को डर लग गया होगा। क्या हुआ रजनी, इतना घबरा क्यों रही हो? कमरे में कोई था और उसने मेरा घूंघट उठाया। और कोई था पर यहाँ कौन आएगा? रजनी तुम्हें क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, जैसे आप लोग आए वो खिड़की से बाहर चला गया। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तो मजाक कर रही हो ना रजनी? नहीं, मैं आप लोगों को सच बोल रही हूँ। कोई यहाँ पर आया था अभी। यहाँ कौन आएगा? रजनी डरो मत, कोई नहीं है। दीदी आप रुकिए, मैं बाहर देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों बहुत थक गए हो, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। हाँ एक मिनट, और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, और हाँ दिलीप जी से भी लेना। अरे तुम्हारे नंदोई जी, उनसे भी मुंह दिखाई जरूर लेना, भूलना मत। अरे दीदी, जीजा जी बहुत कंजूस हैं, वो तो उधार लगा देंगे। रजनी तुमसे एक बात कहनी है। पापा के गुजरने के बाद राजेश का बचपन छिन गया था, अब तुम उसका ध्यान रखना, रखोगी ना? अच्छा अब मैं चलूं? क्या दीदी आप भी।
गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट रजनी। तो भी पी लेंगे। क्या है भाभी डिब्बे में? दिखाओ ना। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि बहू कह रही है उसके कमरे में कोई घुस गया। अब ये बताओ सुनीता, ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? लगता है मैडम को वहम हुआ है। ऐसे कैसे घर में कोई घुस सकता है? इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। हाँ माँ, आसपास का लड़का ऐसी हिम्मत नहीं दिखाएगा। रजनी कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, आपने देखा था ना कि लाइट बंद थी, तो मुझे लगा कि ये होंगे। तुमने पहचाना उसे? कैसा दिखता था? छोटू, ये चौराहे पे घूमने वाले लड़के जो आवारा है, ये तो क्या ऐसा कर सकते हैं? माँ, वो लड़के लफंगे जरूर हैं, लेकिन ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। छोटू की बहुत इज्जत करते हैं वो। हाँ माँ, इनको चलना तो मैंने सिखाया है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी हरकत करेंगे। क्या बात है, आज तो पूरा कुनबा एक साथ मौजूद है। ऐसी परियों की तरह सुंदर दिखो हमेशा। नंदोई हैं आप इनके और लाइन मार रहे। लो, अब बातों बातों में तारीफ करना भी कोई लाइन मारना हुआ? क्यों माँ जी? जीजा आओ ना, माँ के हाथ से मालिश करवा लो। अरे नहीं बोले, तुम करवाओ माँ के हाथ से मालिश, इसे चंपी बोलते हैं, और इसी तरह से माँ के साथ लगे रहे ना तो बीवी हाथ से निकल जाएगी। तो बीवी बगल में लिखवा देता हूँ। अरे बीवी का ही नाम लिखवा रहे हो ना, कौन सा हमारा नाम लिखवा रहे हो? आप बोले तो लेफ्ट वाले हाथ पे आपका भी नाम लिखवा देता हूँ। अरे नहीं भाई, हमें तो बस रजनी चंपी कर दे। नहीं दीदी, रजनी इनसे मुंह दिखाई और चंपी दोनों वसूल करना। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम भी पूरा हिसाब करके देंगे, इतने कंजूस नहीं है हम भी। आप आइए। हाँ तो पता चला कल रात को कौन आया था कमरे में? जीजा कहीं आप ही तो नहीं घुसे थे? हाँ घुसा था, बोलो। तो भाग क्यों गए, हड्डी टूटने के डर से? उठाओ फोन, उठाओ प्लीज। दो बज गए, ये फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ पर है ये। रजनी तुम टेंशन मत लो, आने दो उसको, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? देख देख तू घबरा मत। अच्छा माँ कहाँ है? माँ को तो मैंने सुला दी है। ठीक किया, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। ये ले, आ गया फोन। मुझे कोई बात नहीं करनी, आप इनसे बात कीजिए। गुस्सा? हेलो, पुलिस? हाँ ये मेरे भाई का ही नंबर है। हाँ ठीक है ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं, ठीक है। दीप पुलिस स्टेशन में है? नहीं नहीं। अच्छा
क्या हुआ सुनीता? छोटे ठीक तो है ना? हाँ, तुम बस एक काम करो, रजनी को लेकर जगतपुरा थाने जाओ। रजनी जाओ, जाओ। रेल के पटरी पे एक लाश मिली है, वहीं पे ये मोबाइल भी मिला है। ये तो छोटे का मोबाइल है, संभालिए। उम्मीद करता हूं कि मामला कुछ और हो सकता है, किसी मोबाइल चोर का काम हो। हाँ, ये भी हो सकता है। आइए। सर, पूरी तरफ से कुचला गया है, अब पॉकेट में से एक पर्स भी मिला है। इंस्पेक्टर साहब, दाहिना हाथ दिखाना जरा। तिवारी, ये कैसे हुआ दिलीप भाई? हादसा कौन सी पटरी पर हुआ? आप कौन है? जी जगदीश, आपने फोन किया था। राजेश के साथ ही PWD में काम करता था। ओके। पटरी के पास खाने का डब्बा और बैग भी मिला है, कुछ दिनों तक हमारे पास रहेगा, बाद में आप ले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब वो घर जाने के रास्ते में ही हादसा हो गया, और आज वो ऑफिस से भी जल्दी निकल गया था कि घर जल्दी जाना है। कहते हैं इंसान अकेला नहीं मरता, मरती है उसके साथ कई अपनों की उम्मीदें और लोग। राजेश की मौत एक हादसा लग रही थी, लेकिन सच क्या था? क्योंकि शादी के बाद से ही घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थी। सुहाग रात में किसी और आदमी का दुल्हन के कमरे में घुसना कोई छोटी बात नहीं थी, कहीं उस आदमी का राजेश की मौत के साथ कोई संबंध तो नहीं था? कहते हैं कोई भी अपराध शुरुआत में ही बड़ा नहीं होता, उसके होने से पहले वो हमें कई संकेत या सिग्नल्स देता है, लेकिन यदि हम उन संकेतों को अनदेखा कर दें तो किसी दिन वो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आखिर क्या था सच राजेश की मौत का? क्या वो एक हादसा ही था जैसा कि पुलिस को लग रहा था, या उसके पीछे कोई साजिश थी? कौन है वहां? कौन है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? कौन था भी यहां पर? ये तो छोटू का मोबाइल है माँ।
छोटू हमेशा अपने हाथ में मोबाइल रखता था ना, तो ये पटरियों से दूर कैसे गिरा मिला? पता नहीं बेटा, इस घर में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ माँ? अभी अभी घर से एक आदमी को भागते देखा, उसको आवाज दी लेकिन वो रुका नहीं। माँ, रजनी पर हाथ डालने वाला आदमी और राजेश की अचानक से मौत, इन दोनों में जरूर कोई रिश्ता है माँ। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारे पास ऑफिस में जाना, खूबसूरत हो तुम। रहने दीजिए नंदोई जी, हंसी नहीं आएगी। अब नंदोई हैं तो अपने शिष्यों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। इस शहर में रहने का क्या फायदा जो तुम्हारे पास ना पाए? तुम कहो तो यहीं डेरा डाल के बैठ जाएं। कहो। रजनी, रजनी, जगदीश भैया आए हैं, जल्दी आओ। सुनीता कह रही थी कि राजेश घर आने के लिए कभी पटरी पार ही नहीं करता था। हाँ ये तो था। वो मुझे खुद बोलता था, हमेशा डांटता था ऐसा करने से। ऑफिस में भी वो सबको समझाता था, लेकिन आप लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उस दिन जल्दी में गलती हो गई। पर जगदीश भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात पुलिस को बताओ। अच्छा, मगर भैया पर कैसे हो सकता है? वो पटरी पार ही नहीं करता था तो ये हादसा कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है? ये बात तो पुलिस पता करेगी। हाँ ये तो है। आप लोगों ने पुलिस को बताया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। हाँ लेकिन मैंने बता दिया। वो इंस्पेक्टर साहब सुबह चौराहे पे मिले थे तो बातों बातों में बात निकली और मैंने बता दिया उनको सब कुछ। पर कोई उनको क्यों मारेगा? हाँ पता नहीं क्या रंजिश थी मेरे भाई से उनकी, या फिर ऑफिस से लौटते वक्त उनके साथ कुछ हुआ। कहीं रजनी के सुहाग रात वाला आदमी? पर माँ, वो तो उसके बाद भी घर में घुसा था। ये कैसे हो सकता है? रजनी, तुमने तो देखा होगा। नहीं, मुझे नहीं पता जगदीश जी कि वो कौन पागल था। कोई मजनू होगा। पुलिस को बताया आप लोगों ने? हाँ, लेकिन छानबीन में अब तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो तो ठीक है, पुलिस तो अपनी छानबीन करती रहेगी। नहीं तो मैं दो चार यहाँ पे चौकीदार बिठा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप जगदीश जी, वो इंश्योरेंस और फिक्स डिपॉजिट के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ हाँ, आपका चेक रेडी है, 3 चेक मिलेगा, टोटल 75 लाख हो। 75 लाख? हाँ, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि रजनी जी जॉब करेंगी या नहीं? क्योंकि राजेश के जाने के बाद भाभी जी को PWD में सरकारी नौकरी आराम से मिल जाएगी। अगर जल्दी नहीं किया तो वैकेंसी निकल सकती है। रजनी, तुम जाओगी क्या काम पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएगी ऑफिस? अगर ऐसे घर में बैठी रही तो पागल हो जाएगी। हाँ ये बात भी ठीक है। हम ऑफिस में आपको पूरी तरीके से कम्फर्टेबल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप लोग भी इनके लिए परेशान मत होइएगा।
इस सप्ताह होगी किरदारों की अग्नि परीक्षा शाम 6 बजे अर्पिता की खातिर अवधेश लेगा एक संकल्प हम अवधेश सिंह ठाकुर आज से अपना आपराधिक जीवन को तिलांजलि देते हैं शाम 6:30 बजे एक अनहोनी से बदल जाएगी सुमन की जिंदगी हत्यारा नहीं हत्यारा शाम 7 बजे हितेन और खेमी का लगन कराने का निर्णय लिया है मैंने ये जानते हुए भी कि खेमी उसकी माफी है हितेन और खेमी के लिए संतो और धर्मराज करेंगे अपने रिश्ते को कुर्बान शाम 6 से 7:30 देखिए किरदारों की अग्नि परीक्षा दंगल पर कौन है तुम कौन है यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा फिर कौन था सामने आओ क्या हुआ माँ जी वो अभी यही था अब पता नहीं कौन आदमी घर में बार बार आता है और प्रदीप को बुलाओ जल्दी से मेरा दिल बैठा जा रहा है मेरा सर पटा जा रहा है आप जल्दी संभालिए अपने आप को मैं फोन करती हूँ आप बैठिए दिलीप दूध इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था बोल रहे थे पूरे इलाके में छानबीन की लेकिन घर में घुसने वाले का कुछ पता नहीं चला 10 उधर 5 इधर 9 आगे कर दूंगा बस हो गया तुम ये क्या कर रहे हो इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 बस डाल दूंगा ट्रांसपोर्ट का धंधा भी 2 रुपए है उसके बाद 6 महीने में जो धीरे धीरे कमाई होगी फिर वापस कर देंगे दिलीप तुम पागल हो गए हो क्या रजनी की हालत देखी है तुमने क्या बीत रही है उस पर फोन आया था उसका क्यों जो हमेशा घर में घुसता है आदमी वो फिर से घर में घुसा था और ये भी कहा है कि कुछ दिन के लिए हमें घर में जाके रहना पड़ेगा उनके हाँ तो चलते ना फिर अभी कल मतलब कल मेरा लला तू कहाँ छुप गया माँ 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 राजेश मेरा लला मेरा बेटा राजेश रुको मां कहां गई रजनी कल रात वाले आदमी को कुछ पता चला क्या नहीं जीजा जी अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए इतना परेशान नहीं होते रजनी पर दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी था कौन और पता नहीं वो आगे क्या करेगा कुछ करने की हिम्मत तो करे हाथ तोड़ के मुंह में घुसेड़ दूंगा तो छुपी रहो वो वैसे इतना डरी हुई है और तुम उसे और डरा रहे हो रजनी तुम आज बहुत स्ट्रेस्ड लग रही हो एक काम करो ना आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ठीक है बहुत बढ़िया माँ कहाँ माँ बाहर ही तो थी आप लोगों ने नहीं देखा नहीं अच्छा मैं देख कर आती माँ 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 क्या हुआ दीदी भाभी माँ कहाँ गई होंगी मुझे पता नहीं लेकिन मैं मंदिर के पास देखकर आती हूँ अच्छा ठीक है अच्छा सुनो तुम बबलू और रेखा दीदी के यहाँ जाओ मैं चाचा जी के यहाँ देखकर आती हूँ जल्दी जल्दी जाओ जल्दी
राजेश की मौत के कुछ अरसे बाद उसकी माँ की हत्या हो जाती और हत्यारा जिस तरीके से उनके शव को ठिकाने लगा रहा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक शातिर अपराधी था, एक घिनौनी मानसिकता वाला इंसान। कौन था ये आदमी और एक बूढ़ी महिला से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या इसमें रजनी के कमरे में घुसने वाले उस आदमी का हाथ तो नहीं था? यदि हाँ तो क्या चाहता था? घर के बेटे की मौत और मां की हत्या के बाद अब इस घर में और क्या होने वाला था? कमला की मौत से बेखबर घर के सदस्य अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रजनी कहाँ जा सकती है माँ? हाँ पप्पू, गुमशुदगी के पोस्टर लगवा दो पूरे रेलवे स्टेशन पे। अरे पुलिस तो अपनी काम कर रही है, तुम भी करो ना अपना काम। हाँ चलो ठीक है, मिल जाएगी माँ। कहाँ से मिल जाएगी? छोटू के बाद अम्मा। मुझे तो लगता है इन सब में उस आदमी का ही हाथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ की जान ना खतरे में है। आप ऐसे तो मत बोले, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए बाम लेकर आती हूँ। जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। रजनी को क्या हो गया? वो फिर यहां आया था, तुम कहां थे? मैं बाहर था। क्यों? आपने तो उसको बाहर जाते हुए देखा होगा ना? नहीं तो ऐसे कैसे? अगर तुम रजनी के कमरे में नहीं आए तो फिर कौन आया था? तुम क्या क्या अनाप शनाप बोल रही हो, क्या सोचती हो तुम सुनीता? अच्छा अगर तुम इस कमरे में नहीं आए थे तो ये पर्स तुम्हारा इस कमरे में क्या कर रहा? गिर गया होगा, कितना शक करती हो तुम? देखो दिलीप, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तुम बताओ रजनी, मैं इस कमरे में आया था क्या? मुझे नहीं पता, कमरे में बहुत अंधेरा था और वो हुआ से चला गया, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अगर तुम बाहर थे तो तुमने उसे बाहर जाते हुए कैसे नहीं देखा? देखो अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं खुद पुलिस स्टेशन चले जाता हूँ, इस तरह से शक मत करो मेरे पे। अब डट कर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। आइए सर बैठे। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला मेरी माँ का? देखिए चिंता की कोई बात नहीं, जांच चल रही है, जैसे कुछ पता चलता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हाँ उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कंबल हमें ट्रेन की पटरी के पास मिला है। ये तो हमारा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस पर राजेश स्वेट्स रजनी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कंबल का ताल्लुकात इस घर से है। मगर सर ये पटरी के पास कैसे मिला? इसे तो घर में होना चाहिए था। यही सवाल मेरे मन में भी आया। राजेश की मौत हादसा नहीं, उसकी हत्या की गई, कहीं उसको इस घर में तो नहीं मारा गया?
पर ऐसे कैसे हो सकता है? घर का कंबल कातिल के पास कैसे पहुंचा? उस दिन तो राजेश ऑफिस से आया ही नहीं वापस। देखिए सर, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ की जान खतरे में। प्लीज सर, उन्हें ढूंढिए सर, प्लीज। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से कातिल घर का ही आदमी है। लेकिन ये कंबल तो जगदीश जी ले गए थे ना? जगदीश जो राजेश के ऑफिस में काम करता है। अच्छा, तो सबसे पहले जगदीश से पूछताछ करते हैं, कमला जी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आके बताऊंगा आपको। अब मैं चलता हूं, कंबल दे दीजिए। मिस्टर जगदीश, क्या हुआ सर? कमला जी कहाँ है? सर मुझे क्या पता, मैंने तो बहुत ढूंढा, नहीं मिली। पता चला है कि तुम उनके घर से कंबल लेकर आए हो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं सुनीता बोल रही हूँ, आपके यहाँ से 2 दिन पहले सीमेंट खरीदा गया था। बिल नंबर क्या है? हाँ लिखिए, 850। हाँ शायद फोन पे ऑर्डर था। फोन पर ऑर्डर किया था? आप मुझे बता सकते हैं उसका कुछ नाम या नंबर दे सकते हैं? मैं पुलिस में नहीं हूं, लेकिन पुलिस ऑफिसर आपसे ये बात पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। प्लीज आप मुझे नंबर या नाम बता दीजिए उसका। अच्छा, उसका नाम दिलीप था। अच्छा ठीक है, जहां सीमेंट डिलीवर हुआ था वहां का एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस लिखिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ दी, क्या हुआ? गैस भरा हुआ है घर में पूरा। शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं। सुन रजनी, तू मेरे साथ चल। पर कहाँ? तो चल, मैं सब बताती हूँ। अच्छा जीजा जी को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, पहले तू चल मेरे साथ। क्या कर रहे थे? सर कंबल लाया तो था, हो सकता है वापस भी कर दिया हो, पर मुझे राजेश की मौत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। हेलो, आप बोलिए। ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ, तुम जा सकते हो, बाद में बात करते हैं। चलो। राजेश की मौत कोई रेल हादसा नहीं था, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। आखिर कौन था इस परिवार का दुश्मन? क्या रजनी के कमरे में घुसने वाले उस आदमी का राजेश और उसकी मां की मौत के साथ कोई संबंध था? यदि नहीं तो वो कौन था जो इस घर में और इस घर के आसपास इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था? पुलिस को सबूतों के आधार पर जगदीश पर शक था, लेकिन क्या उनका शक सही था? लेकर आए हो आप हमें? सब बताती हूँ, तुम पहले ये देखो। ये तो किसी सीमेंट की दुकान का बिल लग रहा है दी। हाँ रजनी, वही तो मैं सोच रही हूँ, ये सीमेंट ना तुम्हारे घर गया है ना हमारे घर आया, तो फिर ये सीमेंट गया कहाँ? और ये पर्ची दिलीप के पर्स में क्या कर रही थी? आप ये सोच रहे कि राजेश को जीजा जी ने
नहीं दिया, अब ऐसा नहीं है दी। यही पता लगाने मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। चलो अब देर नहीं करते, चलो। सीमेंट है रजनी, मैंने कहा था ना हमें सारे सबूत यही मिलेंगे। इस सप्ताह डमरू भैया में करंट है। डमरू भैया से छोड़िए, डमरू भैया। एक हादसा और भारती की जिंदगी में आया तूफान। सच्चाई तो ये है भारती जी, हमारा आपसे शादी का फैसला ही गलत फैसला था, और इसलिए भारती जी आज के बाद हम और आप एक साथ नहीं रह सकते। क्या टूट जाएगा 7 जन्मों का ये बंधन? बाबा ऐसो वर ढूंढो सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। दी उठो, तुम कौन हो? और मेरी माँ कहाँ है? दी, इसने राजेश और माँ दोनों को मेरे भाई को क्यों मारा? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है बोलो। तुम बताओगे या मैं बताऊँ? इसे भी खत्म करो, यही इसे भी दफना देते हैं, फिर जिंदगी के सारे कांटे खत्म। तुम हंस क्यों रही हो? बोलो रजनी। सॉरी दी, तुम्हें जो जानना है ना वो राजेश जी और माँ आपको पर भगवान के पास बता देंगे। रुक जाओ, पकड़ लो सबको। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मेरे भाई को तो मार चुके, लेकिन प्लीज इनसे पूछिए कि मेरी माँ कहाँ है। तुम यहाँ बताओगे या थाने चलकर बताओगे? बताओ। इस गड्ढे में खटा खोदो। सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय। अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा, पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड, और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल।
जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए शनिदेव का न्याय चक्र महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। बताओ रजनी क्यों मारा? समीर और मेरा जन्मों का रिश्ता, पता नहीं कहां से ये राजेश पीडब्ल्यूडी मेरे पल्ले पड़ गया। ये शादी समीर और मुझको नहीं रोक सकती थी। सुहागरात वाली रात को समीर ही मेरे कमरे में आया था, घूंघर उठा के नहीं देखोगे कि तुम्हारी दुल्हन कितना तैयार हुई है तुम्हारे लिए। दुल्हन के पति से पहले तुम मजे लोगे बदमाश, अगर देख लिया उसने तो। समीर मैं किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। चलो भैया दुल्हन इंतजार कर रही है। और उसके बाद वो हर रोज आता रहा। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन? कौन है? यहां तो कोई नहीं दिख रहा, फिर कौन था? उस तरफ देखती हूं। मां को तो तुमने दफना दिया, राजेश को क्यों मारा? राजेश ने मुझे और समीर को साथ में देख लिया। रजनी मारने लगा हो समीर को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसे चाकू से मार दिया। और उसके बाद फिर समीर ने उसे चाकू से मार दिया। और हमने उसे कंबल में लपेट के पटरियों पर फेंक दिया, और वही वाला कंबल फिर आपको मिला था। मेरी माँ को क्यों मारा रजनी? तुम्हारी माँ बुढ़िया सारा दिन किट 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 करती रहती थी, उसका मुंह ही बंद कर दिया। बहू कहाँ जा रही हो, कौन है, क्या है? दिमाग खराब करके रखा, इसलिए मैंने उस बुढ़िया को मार दिया। प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, ले चलो थाने। रजनी अगर राजेश से शादी नहीं करना चाहती थी तो हिम्मत दिखाकर अपने परिवार वालों से इस बारे में बात कर सकती थी। अगर ये भी नहीं हो सका तो शादी के बाद भी वो राजेश से अलग होकर समीर के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने और समीर ने मिलकर अपराध का एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें ना केवल दो लोगों की जानें गई बल्कि कई जिंदगियां भी बर्बाद हुई। यदि राजेश को शादी से पहले ही रजनी के बारे में मालूमात होती तो ये सच सामने आ जाता और वो इस अपराध का शिकार होने से बच सकता था। एक अजनबी का घर में घुसकर नई नवेली दुल्हन पर हाथ डालना इशारा था एक जुर्म का, मौका था अलर्ट होने का, संभलने का। समीर और रजनी अपने घिनौने इरादों में कामयाब तो हो गए, लेकिन सुनीता की समझदारी और सतर्कता ने इस केस को बनने ही होने दिया। उसने अपने भाई और माँ को खोया, लेकिन वो अपने अंदर और बाहर की लड़ाई लड़ती रही और अंत में अपराधियों को बेनकाब करके ही उसने दम लिया। रजनी ने सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी खून किया, जिसकी सजा उसे और समीर को मिली। आज दोनों सबूत मिटाने और हत्या करने के जुर्म में सजा काट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।